तो नॉर्मल गोल्डफिश और एग्जॉटिक गोल्डफिश में फर्क क्या है? सिर्फ पैसे का? एक 20-25 में मिलता है, एक 5,000, 6,000, 8,000 में मिलता है, क्या वही फर्क है? तो नॉर्मल गोल्डफिश में और एग्जॉटिक गोल्डफिश में फर्क ब्रीडिंग का होता है, नस्ल का होता है, क्वालिटी का होता है, इसलिए प्राइस भी इतना वेरी होता है। रेगुलर गोल्डफिश कलकत्ता में, चेन्नई में, केरला में, बड़े बड़े पॉन्ड में बच्चे हो जाते हैं और ब्रीड भी हो जाते हैं, छोटे छोटे आते हैं, ज्यादा क्वालिटी उनमें कुछ होता नहीं है, वैरायटी जरूर होता है। एग्जॉटिक में बच्चे कम आते हैं, सेलेक्टिव होता है, इसलिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, सेलेक्टेड होता है, क्वालिटी देख के उसको ब्रीड करते हैं, क्वालिटी मेल क्वालिटी फीमेल ब्रीड होता है तो जाके उसके बच्चे, एंड उसमें ज्यादा बच्चे आते नहीं, ठीक है, वो इसलिए महंगा होते हैं और दिखते भी बहुत सुंदर है, आपके सामने है। तो ये है ओरंडा गोल्डफिश, जिनके ऑर्किड टेल बोलते हैं, ठीक है। ओरंडा में लायन हेड हब भी आता है, रेगुलर ओरंडा भी आता है, ओरंडा में डॉर्सल फिन होता है, लायन हेड में नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। छोटे वाले रेनकिन, एक ब्रॉड टेल एक शॉर्ट टेल, हाई बैक हाई फिन, दुनिया भर के डिजाइन, दुनिया भर के कलर्स, दुनिया भर के वेराइटीज है गोल्डफिश में। आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप डिसाइड करें। आज हम बात करेंगे एग्जॉटिक गोल्डफिश अगर हम महंगा खरीद रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स जो हम देखे समझे उसके बारे में, फिर पैसा देके खरीदें। पहला सिंपल पॉइंट, कलर। जितना ब्राइट हो, जितना शाइन हो, अगर ब्लैक भी हो तो उसमें शाइनिंग आता है, नीचे रेडिश आता है, ये सब क्वालिटी है, ठीक है। फिन्स टूटा नहीं होना चाहिए, फिन्स अच्छा होना चाहिए, वो फेदर मूवमेंट वो देखो क्या दिखता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉडी पे कट या मार्क्स या फिन गिरा हुआ या कुछ भी बॉडी पे नहीं होना चाहिए। बॉडी पे ऑफकोर्स कोई और चीज अगर एग्जॉटिक है तो लाइस और एंकर वर्म्स नहीं आते, बट ध्यान देना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप खरीदते हो तो ये देखो कि दुकान में उसका पानी का क्वालिटी क्या है। अगर पानी धुंधला है आप खरीदना चाहोगे, लेकिन अगर पानी साफ है क्लियर है तो खरीद सकते हैं, बिकॉज वो भी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। और आपको भी जरूरी है कि पानी साफ रखें। अगर बेयर बॉटम है तो आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज करें और वाटर चेंज डेली करें 10%, ताकि कचरा निकाले, जो खाना आप खिलाते हो कचरा हो रहा है, कचरा निकालो, 10% वाटर चेंज। नेक्स्ट, आईज। आईज क्लियर होना चाहिए, क्लाउडी नहीं होना चाहिए या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। जरूरी है कि उसका जो ब्रीदिंग मोमेंट है वो नॉर्मल है, हांफना नहीं चाहिए, नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब आप देखते हो गोल्डफिश खरीदने से पहले। अब कुछ मजेदार पॉइंट्स गोल्डफिश के बारे में। आईलिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, पलक पलक झपकते ही। गोल्डफिश के पलक नहीं होते, पलक 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 इज अ नाइस वर्ड, पलक, ओके। आईलिड्स नहीं होते, ओके। तो ये सोते जरूर है लेकिन आंख खोल के, ओके, बिकॉज पलक नहीं है, पलक नहीं है, ओके। रात को लाइट ऑफ कर दिया करो, नहीं तो तकलीफ होता है यार, ठीक है। पलक नहीं है।
गोल्डफिश के कहते हैं कि गोल्डफिश के दांत नहीं होते, एक्चुअली होते हैं, लेकिन गर्दन में, बैक ऑफ द थ्रोट, वहां पे होता है दांत, यहां पे नहीं, ठीक है। दूसरा, गोल्डफिश के जो होंट है, लिप्स, ठीक है, उनमें टेस्ट पता चलता है उनको, मतलब जैसे हमारे जीभ में पता चलता है, उनको जीभ नहीं होता है, नॉट टंग, बट लिप्स में टेस्ट पता चलता है, और उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा खाने का स्मेल आया तो भाग के आता है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, और गोल्डफिश को हमारे से ज्यादा कलर दिखता है, मतलब वो कलर में देखते हैं, आपको भी देखते हैं, आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, इसलिए तो जब आप जाते हो गोल्डफिश को खाना खिलाने ऊपर आ जाते हैं ना, या आप रूम में क्रॉस करो तो आपके पीछे पीछे करते हैं। एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, ट्राई करना, वो जो लेजर आता है ना रेड कलर का, जो कॉर्पोरेट मीटिंग में यूज करते हैं, बॉस दिखाता है ना बोर्ड पे, वो लेके घुमाना टैंक पे, गोल्डफिश उसके पीछे पीछे की पीछे पीछे घूमेगा। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा आंख पे लेजर मत मारना, कलक नहीं है। अब रात में लाइट ऑफ करते हो, ठीक है, थोड़ा कलर डिम हो जाता है, व्हाइटिश होता है, डरना नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर आप 4-5 दिन या 6 दिन गोल्डफिश को बिना लाइट के रख दो, अंधेरे में रख दो, तो पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये डिजीज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट नहीं है। इसलिए गोल्डफिश का उम्र कैसे पता चलता है, एक्चुअली बाय द स्केल्स, वो जो स्केल्स होते हैं बॉडी पे, उसके हिसाब से पता चलता है। बहुत ही लंबा कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, बट बाय द स्केल्स, स्केल्स ट्रांसपेरेंट है, उनमें कोई कलर नहीं है, बहुत यूनिक फिश है। एक्चुअली देखा जाए तो कार्प का डुप्लीकेट है, कार्प से ही बना हुआ है। मजेदार बात, अगर गोल्डफिश को और कोई कार्प को ब्रीड करे, जो बच्चे निकलेंगे वो स्टेराइल हो जाते हैं, मतलब उनके बच्चे नहीं होंगे। गोल्डफिश ओमनिवोरस है, मतलब कुछ भी खाएगा, वेजिटेरियन भी खाएगा, नॉन वेजिटेरियन भी खाएगा, ब्लडवर्म्स भी खाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉन्स भी खाएगा, छोटे मछली भी खा जाएगा। ये सिंपल पॉइंट याद रखो, जो भी उसके मुंह में फिट हो सकता है वो खाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डफिश का पेट नहीं है, मतलब स्टमक नहीं है, ठीक है, पेट नहीं, स्टमक नहीं है, सिर्फ इंटेस्टाइन है, तो मतलब खा खा के अपने आप को मार सकता है, उतना खा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खिलाते जाओ, हिसाब से खिलाओ, दिन में एक बार या दो बार कैलकुलेटेड मेजर्ड खिलाओ। और क्या खिलाना चाहिए, खाना हमेशा क्वालिटी का होना चाहिए, ADA का AP3 फैंटास्टिक फूड, ट्रॉपिकल का गोल्डफिश फूड बहुत ही अच्छा, इसमें D160 करके विटामिन डी आता है, गुड स्टफ, गुड स्टफ। HM लेसर ब्रांड, क्वालिटी अच्छा है, थोड़ा महंगा कम है, ओके, बट गुड क्वालिटी फूड। हिकारी ऑफ कोर्स, हिकारी में भी रेगुलर ओरंडा के लिए ही फूड आता है, या रेगुलर गोल्डफिश, या साकी हिकारी करके हाई क्वालिटी का गोल्डफिश और कोई फिश का फूड आता है जो आप यूज कर सकते हो। ये सब क्वालिटी खाना है। इसके अलावा ओके, कुकुम्बर, कैरेट, बॉइल्ड कैरेट, पीस, ग्रीन पीस, वेरी गुड फॉर गोल्डफिश, इंटरनल पैरासाइट, स्विम ब्लैडर डिजीज के लिए हफ्ते में एक बार ग्रीन पीस खिलाओ, ठीक है। पालक, वेरी गुड, कभी कभी ब्लडवर्म्स, हल्का सा प्रॉन, बॉइल्ड प्रॉन्स, छोटा टुकड़ा जो घर में खाते हैं, ये सब गुड क्वालिटी खाना है गोल्डफिश के लिए। ये 2x1 टैंक है, 7 गोल्डफिश है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना रख सकते। ये 2x1 टैंक में ये साइज के सिर्फ 2 गोल्डफिश, टैंक बड़ा है, गोल्डफिश बड़ा ग्रो होगा, अच्छा ग्रो होगा, याद रखो, ये टैंक में भी वो बड़ा होगा, हिलने का भी चांस नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। गोल्डफिश को रात को सोने का आदत है, नीचे जाके बैठते हैं, शांत बैठते हैं, इसका मतलब वो बीमार नहीं है, आराम से बैठे हैं। टेम्परेचर अगर कम हो तो भी नीचे जाके बैठ जाते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि
जापान में फर्स्ट एनिवर्सरी में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गोल्डफिश गिफ्ट करते हैं, प्यार बढ़ता है। ये इंटरेस्टिंग टिप पॉइंट, आप भी गिफ्ट करो। गोल्डफिश बोल में नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं रह सकते। अब मैं बहुत लोग मैसेज करते, मैंने रखा है विदाउट ऑक्सीजन। यार आप आ जाओ, मैं आपको रखता हूं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, देखते कितना दिन खुश रहोगे आप। गलत बात है, ऐसा मत करो। बोल में नहीं रखते, टैंक में रखते। बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। आखिर में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, पुराने जमाने में गोल्डफिश इतना महंगा था कि सिर्फ राजा महाराजा यू खरीद सकते थे, मतलब रॉयल्टी मस्त। बहुत सालों से, हजार साल से गोल्डफिश हमारे हॉबी में है और बहुत सुंदर फिश है, बहुत लोग रखते हैं और सही रखना इंपॉर्टेंट है। 20-25 रुपए में खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ का वैल्यू नहीं है। वैल्यू है हर एक लाइफ का, हर एक जीव का, भगवान का बनाया हुआ या इंसान का बनाया हुआ फिश को भी एक वैल्यू होता है, लाइफ होता है, और वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उसे अच्छा रखें, अच्छा खाना खिलाए, साफ पानी दे और मस्त रखे। और ये याद रखे कि गोल्डफिश को पलक पलक नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, अगर ये गोल्डफिश खरीदना है, एग्जॉटिक गोल्डफिश खरीदना है, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। बॉम्बे में शम्स पार्कर, पुणे में प्रफुल्ल कामले, हमारे बाजू के जेके एग्जॉटिक, इन सब का नंबर्स मैं नीचे डालता हूं, आप उनसे बात कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और मजा ले सकते हैं। महंगे है, ओके, सस्ते नहीं है, बट फिर भी आप उनसे बात कर लो और ये जरूर बोलना कि मयूर ने बोला डिस्काउंट देने के लिए, मजा आएगा। ओके, सो मैं गोल्डफिश एंजॉय करने वाला हूं और आप, आशा करता हूं कि ये वीडियो एंजॉय किया, कुछ सीखने को मिला, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स था, मजेदार पॉइंट्स था। बहुत जल्दी वापस मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और टैंक सेटअप वीडियो, ये वो फलाना ढिमका, बहुत कुछ मजेदार आने वाला है। आप देखते रहो, सब्सक्राइब करो, मजा लो। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, एंड आज शम्स पार्कर प्रफुल्ल कामले की तरफ से भी ये गोल्डफिश लेके आने के लिए, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं कुछ बहुत ही एग्जॉटिक फिश के बारे में, बता तो रहा हूं लेकिन आप देखोगे जरूर बहुत जल्दी। बाय, ओके, पलक झपक के बाय। पूजा, पूजा क्या बोल रही हो, ये गोल्डफिश कैसा है? कड़क।